जिस हिसाब से ओडा ने नए हितो नोमी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा है, उस हिसाब से काफी सारे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं एंड बहुत से प्लॉट ट्विस्ट आ सकते हैं स्टोरी में। यानी कि अब कुछ ऐसा हो सकता है ना जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और यह सब चीज सिर्फ एक डेविल फ्रूट चेंज की वजह से है। तो आज हम लोग इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सो ही व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बट मजेदार भी होने वाला है। सबसे पहले तो ईयरफोन्स डाल लो और साथ ही साथ इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और एंड तक तो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, ये मत कहना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, हालांकि मैं तुम्हें समझा दूंगा अगर तुम इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करोगे एंड मुझसे बातें करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू दिस ग्रेट वीडियो। सबसे पहले तो गुमु गुमु नोमी के बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो बस कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो इस चैप्टर में हमें मेजर एक चीज के बारे में बताया गया था कि जोन डेविल फ्रूट में अपना खुद का विल होता है, और मे बी यू कैन से माइंड ऑफ इट्स ओन। तो चैप्टर 1044 का ऑफिशियल ट्रांसलेशन इस संडे को आया था, और उसमें भी यही सेम चीज कन्फर्म की गई है कि 5 एल्डर्स गुमु गुमु नोमी के पीछे 800 साल पहले से लगे हुए थे, पर उसको कभी भी हासिल नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि उस डेविल फ्रूट का अपना खुद का ही माइंड है और वो उनसे खुद से ही दूर भागना चाहता है, और ऐसा लगता है कि जोन डेविल फ्रूट में अपना खुद का विल होता है, और ये पर्टिकुलर डेविल फ्रूट में तो एक गॉड का ही नाम है। इसकी अवेकनिंग यूजर के रबर बॉडी के फिजिकल स्ट्रेंथ और फ्रीडम को बढ़ा देता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ। हाँ, विल वाली चीज पर भी आते हैं इसके बाद। सो चैप्टर में हमने देखने को मिला था कि लूफी बीच बीच में अचानक से अपने मसल्स को बहुत ज्यादा ग्रो कर ले रहा था। और एक छोटा सा डिटेल देखो, जहाँ पे जब काइडो ब्लास्ट ब्रेथ अटैक यूज करने वाला था, उस वक्त लूफी जब ग्राउंड को स्ट्रेच कर रहा होता है, तो तुम लोग वहाँ पे देखो कि ग्राउंड पहले से ही रबर में कन्वर्ट हो चुका था, और लूफी बस उसको रबर को बेंड कर रहा था ताकि काइडो का अटैक बाउंस बैक हो सके। इट मीन्स लूफी अब रबर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, राइट? लूफी अब अपने बॉडी को हील या फिर रीजनरेट भी कर सकता है, जस्ट लाइक काटाकुरी एंड डोफ्लामिंगो। और हाँ, यहाँ हाकी अप्लाई नहीं होता है। याद है जब रॉब लूची ने कहा था कि लूफी जब भी सेकंड गियर यूज करेगा, उसका लाइफ स्पैन एक्चुअली में कम होता जाएगा, क्योंकि एट सम पॉइंट उसका बॉडी ये झेल नहीं पाएगा। अब ये चीज लूफी पे अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि ये पावर अब उसके डेविल फ्रूट का प्रॉपर्टीज में से एक है, जस्ट लाइक चॉपर्स डिफरेंट फॉर्म्स। बट यार, ये दोनों तो पैरामीसिया है ना, और लूफी तो अपना जोन है, तो इतना सिमिलैरिटीज क्यों? बताता हूँ, उसका आंसर है नीका। सो नीका है कौन? हुज हु जिससे जिनबे लड़ रहा था, उसने बताया था कि एंशिएंट टाइम के जो स्लेव्स थे, वे लोग एक मिथिकल वॉरियर नीका, जिसको वो लोग सन गॉड के नाम से भी बुलाते थे, उसको एक्चुअली में काफी ज्यादा मानते थे। और इस तरह का उसका अपीयरेंस था, लाइक बिना जॉइंट्स के हाथ और पैर एंड फ्लेम लाइक हेयर, बोले तो लूफी के गियर 5 की तरह। इट मीन्स ही इज लाइक अ रबर, ये चीज याद रखना। आगे हुजू ये बताता है कि नीका के ऊपर एंशिएंट स्लेव्स काफी ज्यादा बिलीव करते थे, एंड उनको ये लगता था कि वो आकर उनको आजाद करवाएगा और उनके चेहरे पर स्माइल लाएगा। हुजू जो कि CP9 का एक पुराना एजेंट था, जिसको प्रिजन में कैद रखा गया था, क्योंकि उसने एक मिशन में बहुत ही बुरी तरीके से वो फेल हुआ था, और ये स्टोरी उसको एक्चुअली में एक प्रिजन गार्ड बता रहा था, जो कि वहां पे उसको गार्ड कर रहा था और वो उसके साथ था। वो अननोन गार्ड नीका से ये प्रेयर भी करता है कि उसके सफरिंग को वह दूर कर दे, और ऐसा ही कुछ, जिसके कुछ समय बाद हुजू ये नोटिस करता है कि वह गार्ड एक्चुअली में डिसअपीयर हो चुका है, बिल्कुल वो वहां से गायब ही हो चुका था। सो हुजू ये गेस करता है कि यह जो इन्फॉर्मेशन उसने जो उसको बताई थी, वह कुछ ज्यादा ही रेयर है, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको उठाकर ले गई है, एंड प्रोबेबली ये चीज उसके साथ भी होने वाला है कि उसको भी उठाकर वो लोग उसको पनिश करने वाले हैं। तो वो ये डिसाइड करता है कि वह वहां से भाग निकलेगा, एंड इसी तरह वो यहां से भाग निकलता है। और अब चैप्टर 1044 में 5 एल्डर्स ये कंफर्म करते हैं कि लूफी का डेविल फ्रूट का जो पावर है वो एक्चुअली में रबर ही है, लेकिन ये पावर खुद सन गॉड नीका का है। तो तुम लोग अब समझ गए होगे कि क्यों उसकी अवेकनिंग पैरामीसिया जैसी हुई थी। बट सही बताऊं तो मैं यहां पे कुछ
श्योर मानता हूँ लूफी अपने डेविल फ्रूट पावर को रबर समझता है राइट, और ये चीज उसके इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। याद है जब वे लोग प्रिंसेस सिरोहोशी से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि हाँ वे लोग दोबारा घूमने फिरने आएंगे, उस वक्त अपना लूफी कुछ और ही करता है, मतलब वो अपने रबर को स्ट्रेच नहीं करता है एंड वो बस ऐसे ही प्रॉमिस कर देता है लाइक इट वॉज नथिंग। और ऐसा कुछ दोबारा भी हुआ था इस सीन में। और हाँ, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लूफी का रेड हॉक। जब वो एस को बचाने के बारे में सोच रहा था कि अब वो और भी अपने किसी करीबी को मरने नहीं देगा, और उस वक्त उसका रेड हॉक ट्रिगर होता है। और हाँ, ये याद रखना कि लूफी का डेविल फ्रूट अब एक गॉड से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे कम्प्लीटली गलत भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो, बट अब एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जोन डेविल फ्रूट का खुद का विल होना। तो यह चीज मैं आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट के हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यू नो कि सारे आर्टिफिशियल फ्रूट जोन टाइप हैं, सो इट माइट बी कि जो ओरिजिनल जोन डेविल फ्रूट है और जो आर्टिफिशियल जोन डेविल फ्रूट है दोनों का कॉन्सेप्ट प्रोबेबली सेम हो, यानी दोनों एक ही तरीके से बने हो। जैसे कि मोमोनोस्के का डेविल फ्रूट काइडो के डीएनए से बना है। जब काइडो ने अपना डीएनए डॉक्टर वेगापंक को दिया था इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फेक कॉपी ऑफ इट, हालांकि वह एक फेलियर था, लेकिन जब मोमोनोस्के वो डेविल फ्रूट कंज्यूम करता है तब हमें यह पता चलता है कि वह एक्चुअली में फेलियर नहीं था। ये चीज बाय द वे चैप्टर 1035 में रिवील की गई थी जब काइडो किंग से मिला था किसी अननोन रिसर्च फैसिलिटी में, प्रोबेबली वेगा पंक का लैब या फिर कह लो पंक हजार्ड में मिला हो। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जोन डेविल फ्रूट में उस जीव का डीएनए रहता है, बट नेचुरल जोन डेविल फ्रूट में शायद से पूरा का पूरा सोल ही ट्रांसफर हो जाता है या फिर स्पिरिट कह लो, एंड दिस रिजल्ट इन चेंज ऑफ पर्सनैलिटी एंड पास डाउन ऑफ विल। अब क्योंकि इन डेविल फ्रूट में अपना खुद का विल होता है, सो मोस्ट प्रोबेबली वो डेविल फ्रूट ही खुद लूफी को चूज किया था। हो सकता है कि सैंक्स जब ये डेविल फ्रूट एस को देने जा रहा हो उस वक्त लूफी ने ये खा लिया था। इट्स लाइक अ प्रोफेसी, थोड़ा नारुतो वाला फील आ रहा है। वेल रुको, अनलाइक नारुतो लूफी का खुद का डिसीजन और पर्सनैलिटी अभी भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि नीका लूफी के बॉडी को टेक ओवर कर लिया हो, सारा कंट्रोल अभी भी लूफी के पास ही है, वो बस नीका के पावर को अडेप्ट किया है, चोजन बाय नीका हिमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि नारुतो और कुरामा की तरह लूफी के अंदर भी नीका बैठा हुआ है। अब नारुतो फैंस ये मत समझना कि नारुतो की बुराई कर रहा हूं, क्योंकि नारुतो खुद में ही यूनिक और वो एक अलग एनिमे है एंड पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, सो थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज हम लोगों को अब मालूम है कि जोन डेविल फ्रूट में अपना खुद का विल होता है राइट, एंड इसी वजह से हर वो हीतो हितोनोमी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें अभी तक सीरीज में दिखाई गई है, क्योंकि हर हीतो हितोनोमी एंशिएंट टाइम में एक्चुअल लिविंग बीइंग रहे होंगे। ना केवल हीतो हितोनोमी बल्कि सारे जोन डेविल फ्रूट जिंदा जीव रहे होंगे, बट एज वी नो ह्यूमंस आर मतलब वे लोग सोचने समझने वाले जीव होते हैं, सो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल ह्यूमन में चॉपर का डेविल फ्रूट आता है, और एक मिथिकल वॉरियर में ओनिमारु, और सेनगोकु एज बुद्धा एंड अ गॉड एज नीका। ये सब सही के लिविंग बीइंग रहे होंगे, बट क्या लूफी को अभी से ही इतना ज्यादा पावर अप देना जस्टिफाई है, क्योंकि सीरीज के एंड में फिर बचा क्या? एज यू गाइस नो काइडो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव राइट, एंड अब देखा जाए तो ब्लैक बियर्ड के अलावा कौन ही विलेन बच रहा है? तो मेरे भाई तुम अभी भी नहीं समझे, ओडा ने अचानक से हीतो हितोनोमी को जिस तरीके से बढ़ावा दिया है ना, उस हिसाब से इसमें काफी ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। सो मोस्ट प्रोबेबली बाय इंट्रोड्यूसिंग द अदर गॉड्स इन द स्टोरी जिन पे हीतो हितोनोमी है। पर कैसे? तो सन गॉड के बारे में हमें सबसे पहली बार स्काइप में पता चला था राइट, और तुम्हें यह लड़की तो शायद याद होगी, इसका नाम मौसे था और ये एंशिएंट सैंडिया से बिलोंग करती थी, मतलब बेसिकली 400 साल पुराना स्काइपिया। तो मौसे ये मेंशन करती है कि वह सन गॉड से मिलने वाली है बाय सैक्रिफाइसिंग हरसेल्फ टू अ कासिगिमी स्नेक, जिसको वो लोग एक्चुअली में काफी ज्यादा मानते थे। तो मांगा में जब मौसे कोई दिखाया जाता है कि उसको ले जाया जा रहा है उस स्नेक के पास, तो उस वक्त पैनल में हमें यह देखने को मिलता है जहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि अदर गॉड्स को भी मेंशन किया गया है। सो वाइल्ड एनिमे थ्योरी करके एक बंदा है और वह कुछ ऐसा क्लेम करता है कि इमसामा का जो डेविल फ्रूट है वह
एक्चुअली में गॉड ऑफ लैंड से बिलोंग करता है। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि इमसामा का जो डेविल फ्रूट है वो गॉड ऑफ लैंड से रिलेटेड है, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो वह स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है क्योंकि उसकी अवेकनिंग के हेल्प से वह माउंटेन जैसे चीजों को बना सकता है और ये एक्सप्लेन करता है रेड लाइन को। हो सकता है कि इमसामा ने ही रेड लाइन बनाया है, यानी कि अगर इमसामा को हरा दिया जाए तो रेड लाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और रेड लाइन एज यू नो कि पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करता है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो यानी कि सारे सीज आपस में मिल जाएंगे, दस क्रिएट ऑल ब्लू एंड वन पीस। जिन्होंने हमारी ये वाली थ्योरी देखी है उनको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बका। एनीवेज, इस वजह से ही इमसामा फाइव एल्डर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और जो ग्रीन बुल है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यह एक एडमिरल है जो कि सालों से खाना नहीं खाया है, बट समहाउ ये जिंदा है और इसको मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी करा है। खैर, ये बंदा हो सकता है पॉजेस करता हो हितोनोमी गॉड ऑफ फॉरेस्ट, और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये बंदा बिना खाने पीने के जिंदा है। वेल, क्योंकि फॉरेस्ट को सिर्फ सनलाइट की जरूरत पड़ती है, वे बिना खान पान के भी जिंदा रह सकते हैं और इसी वजह से यह इस सीन में धूप में बैठा हुआ है। नाउ द थर्ड इज ड्रैगन, जो कि यूजर है हितोहितोनोमी गॉड ऑफ रेन का, एंड इसके हेल्प से वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है और ये एक्सप्लेन करता है लॉकडाउन वाले इंसिडेंट को जहाँ पे देखा जाए तो बहुत बारिश भी हो रही थी। नाउ द लास्ट इज लूफी हितोहितोनोमी गॉड ऑफ सन। ये वाला डेविल फ्रूट इसीलिए स्पेशल है क्योंकि सन को एक मेजर पावर सोर्स माना जाता है, एंड इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि लूफी का डेविल फ्रूट रबर से कुछ ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो स्टोरी के हिसाब से ये सारे कैरेक्टर्स पे ये पावर्स परफेक्टली फिट बैठते हैं। दिमाग लगा ना, क्या हो अगर मैं कहूँ कि ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट एक्चुअली में लूफी का डेविल फ्रूट से अपोजिट है, क्योंकि लोगिया टाइप होने के बावजूद भी उस डेविल फ्रूट में हो सकता है कि अपना खुद का विल हो एंड ब्लैक बियर्ड को पता हो कि उस डेविल फ्रूट का ट्रू पोटेंशियल क्या है और उसका पहला यूजर कौन था, शायद रॉक्सी ज़ेबक, बस एज्यूम कर रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ। सो अगर तुम नोटिस करो तो यामी यामी नोमी और गोमो गोमो नोमी दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर है, तो क्या ये हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड एक्चुअली में लूफी का डेविल फ्रूट खाना चाहता था पर वो गलती से ये वाला खा लिया? शायद हाँ और ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि एक रीज़न है। 2 साल पहले ब्लैक बियर ड्रम आइलैंड आया था तबाही मचाने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है क्यों उसका इंटरेस्ट वैसे आइलैंड में आया होगा? वेल, वहाँ पे ऐसा रूमर्स फैला था कि एक रेनडियर है जो कि ह्यूमन टाइप हरकत कर रहा है और उसने शायद हितोहितोनोमी खाया है, एंड ब्लैक बियर्ड का इंटरेस्ट इसीलिए इसमें आया था क्योंकि उसको लगा होगा कि कहीं वो हितोहितोनोमी मॉडल सन नीका तो नहीं, और इसी वजह से वह उस आइलैंड में चेक करने गया होगा। और ना इसीलिए क्योंकि ब्लैक बियर्ड अपने इस डेविल फ्रूट से काफी खुश दिख रहा है और मुझे नहीं लगता कि उसे घंटा भी पता है कि लूफी का डेविल फ्रूट एक्चुअल में सन गॉड नीका है। कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या सोचते हो, एंड वंस अगेन अ बिग थैंक्स टू वाइल्ड एनिमे थ्योरी एंड एलेक्स भैया इस थ्योरी को कम्प्लीट करने के लिए। और हाँ, क्या तुम लोगों ने गौर किया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अचानक से ही लूफी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देने लगी है और इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि उनको शुरुआत से तो पता नहीं होगा कि लूफी के पास जो डेविल फ्रूट है वो एक्चुअल में हितोहितोनोमी है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी लूफी को कैप्चर करने की पर उन्होंने नहीं किया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक थ्योरी बना रखी है जो कि तुम्हारे सामने है, जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लो, और जिन्होंने देख लिया है तुम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करो या पुरानी वीडियो देख लो यार। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम।